हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटास्टिक। गाइस यार, आज दिस इज द एपिसोड नंबर 4। कौन सा एपिसोड है दोस्तों? फोर्थ एपिसोड है किसका किसका किसका? आपके एक्स्ट्रा एफर्ट सीरीज का। सर आज कुछ लिखोगे नहीं? तो आज मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं आज सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ओवरली बता रहा हूँ। आज आपको खुद को खुद से वो पॉइंट्स लिखना है, ठीक है? सो देखते हैं, चालू करते हैं यार दोस्तों। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, आराम से कंसंट्रेट करना। आज अपन बात करेंगे 161 की सेक्शन। किसकी बात करेंगे? 161 की, दैट इज व्हाट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, यस और नो। सबसे पहले अगर आपको मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको कि जब भी हम एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, गाइस कॉन्सेंट्रेट करना, एडिशनल डायरेक्टर का टर्म कितना है? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करेगा वो? टाटा बाय बाय कर देगा। और अगर कोई कारणवश एजीएम नहीं हो पाती है तो लास्ट डेट ऑफ एजीएम जो भी होगा, लास्ट डेट ऑफ एजीएम कौन सा होता है? 30th सितंबर, 6 मंथ फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो उस दिन उसको छोड़ना पड़ेगा गाइस। यार कोई ना कोई इसको ना अच्छे से नोट डाउन कर लेना ये पॉइंट्स को, एंड मुझे सेंड कर देना आप एंड में, ताकि मैं पूरा उसका एंड में आपको पूरा जितने भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के पॉइंट्स हैं मैं उसको एक जगह करके आपको पीडीएफ भेज दूँ, ठीक है? तो सबसे पहले द टर्म ऑफ एडिशनल डायरेक्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम और द लास्ट डेट ऑफ एजीएम। सर क्या एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में ही अपॉइंट होगा या सर्कुलेशन से भी अपॉइंट हो सकता है? तो एडिशनल डायरेक्टर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से भी अपॉइंट हो सकता है। सर क्या एडिशनल डायरेक्टर को, कैन एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंटेड एज अ रेगुलर डायरेक्टर? यस, बट उसके लिए 160 का प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। सो एडिशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज अ रेगुलर डायरेक्टर, बट यू हैव टू फॉलो व्हाट, यू हैव टू फॉलो व्हाट बेटा, आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? आपको 160 फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड वन, अल्टरनेट डायरेक्टर। गाइस लिसन वेरी केयरफुली, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्टरनेट डायरेक्टर ना, तो अल्टरनेट डायरेक्टर वो व्यक्ति है जो किसी बंदे के बिहाफ पे डायरेक्टर बन रहा है। किसी बंदे के बिहाफ पे क्या बन रहा है दोस्तों? डायरेक्टर बन रहा है। तो एक चीज क्लियर करो, अल्टरनेट डायरेक्टर जो है तभी अपॉइंट हो सकता है जब 3 मंथ्स के लिए या मोर देन 3 मंथ्स के लिए डायरेक्टर बाहर गया है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैन अ डायरेक्टर अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर होने इस बिहाफ, क्या उसकी जगह, मतलब जैसे मैं बाहर जा रहा हूं तो मेरी जगह क्या मैं किसी और को अपॉइंट कर सकता हूं? आंसर इज नो। अल्टरनेट डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करता है। हम इमोशनल होकर लिख देते हैं हाँ अपॉइंट कर सकते हैं, अरे भाई डायरेक्टर थोड़ी अपॉइंट करेगा उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। डायरेक्टर थोड़ी अपॉइंट करेगा उसको, कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। पॉइंट नंबर टू, अल्टरनेट डायरेक्टर से केस स्टडी बनने के चांसेस हैं। पॉइंट नंबर टू, कोई कंपनी का एग्जिस्टिंग डायरेक्टर कैन नॉट एक्ट एज अल्टरनेट डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ अदर डायरेक्टर। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मोदी सर भी कंपनी के डायरेक्टर है, क्या मोदी सर के बिहाफ पे मैं अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता हूं? नहीं। अरे मैं खुद डायरेक्टर हूं ना, तो मैं उसी कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर मैं खुद डायरेक्टर हूं ना, तो मैं उसी कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। दूसरा, सपोज मैं भी अल्टरनेट मैं डायरेक्टर हूं, मोदी सर भी डायरेक्टर है और सौम्य सर भी डायरेक्टर है, तो मैंने अपने बिहाफ पे, मतलब मेरे बिहाफ पे आशीष सर को अपॉइंट किया गया एज अ व्हाट, अल्टरनेट डायरेक्टर, तो क्या उसी कंपनी में आशीष सर मोदी सर की भी जगह ले सकते हैं? आंसर इज नो। मतलब एक बंदा एक कंपनी में दो अल्टरनेट डायरेक्टर की पोजीशन, दो डायरेक्टर की जगह अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्या एक कंपनी है उसमें मैं भी डायरेक्टर हूं, मोदी सर भी डायरेक्टर है और अपने सौम्य सर भी डायरेक्टर है, तो क्या हमारे तीनों की जगह सौम्य सर को अपॉइंट कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। वो किसी एक ही पर्सन की जगह अपॉइंट हो सकते हैं। हाँ, अगर तीन अलग अलग कंपनी है, मैं किसी और कंपनी में डायरेक्टर हूँ, सुनना, सौम्य सर किसी और कंपनी में डायरेक्टर है, तो बात अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं समझो 5 कंपनी में डायरेक्टर हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ए में भी डायरेक्टर हूँ, बी में भी डायरेक्टर हूँ, सी में भी डायरेक्टर हूँ, ई में भी डायरेक्टर हूँ, एफ में भी डायरेक्टर हूँ, मेरी जगह सौमिल सर को अल्टरनेट डायरेक्टर बनाया गया, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी, ई में भी, चलेगा? ये चलेगा। एक बंदा एक कंपनी में दो डायरेक्टर की जगह नहीं ले सकता, लेकिन एक बंदे की जगह अलग अलग कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है। सुनना, मेरी जगह सौमिल सर, एक बंदा एक डायरेक्टर की जगह ए बी सी डी ई अलग अलग कंपनी में क्या ले सकता है? 200 जगह ले सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको आता है बेटा, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, ध्यान से सुनना, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर को आप रिजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन से अपॉइंट नहीं कर सकते। कैजुअल वैकेंसी वाले डायरेक्टर को आप रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से अपॉइंट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ेगी। वाकायदा क्या लेनी पड़ेगी दोस्तों? बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ेगी। यस और नो बेटा, बोलिए हाँ या ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। जो मैटर बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते, बट यस
मतलब इसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो शॉर्ट में मैं इसको आपको करवा देता हूँ, दैट इज वॉट डेटा बैंक। देखो अरे, हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कहाँ से अपॉइंट करते हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम डेटा बैंक से क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, डेटा बैंक मेंटेन कौन करता है, तो डेटा बैंक मेंटेन करता है एमसी। डेटा बैंक मेंटेन कौन करता है दोस्तों, डेटा बैंक शैल बी मेंटेन बाय एमसी। सर एमसी ने किसको दिया है बेटा, एमसी ने बेसिकली किसको पावर दे दिया डेटा बैंक मेंटेन करने को, तो एमसी ने दे दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपने बेसिकली इसके अंदर पढ़ा था, CSET में पढ़ा था, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, आपको क्या याद रखना है, डेटा बैंक शैल बी मेंटेन बाय दी एमसी। करेक्ट आंसर बताइए, सुनो, कोई भी बंदा अगर डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उसने तुरंत क्या करना है, अपना नाम पहले डेटा बैंक में ऐड करवाना है ना। इफ एनी पर्सन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना, इफ एनी पर्सन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उसने अपना नाम कहाँ ऐड करवाना, डेटा बैंक में ऐड करवाते हुए चलना है। अच्छा सर, डेटा बैंक में ऐड करवाने के लिए मुझे कोई एग्जाम देनी पड़ेगी? यस बेटा, तो आपको एग्जाम पास करनी पड़ेगी जिसका नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, सेल्फ प्रोफिशिएंसी असेसमेंट टेस्ट। करेक्ट है, तो ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा, प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपको देना पड़ेगा, वो आपको पास करना पड़ेगा, एंड उसके अंदर आपको 60% मार्क्स आने चाहिए। एक ऑनलाइन एग्जाम होती है ना, प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट एग्जाम करके, तो वो आपको देना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए बेटा, 60% मार्क्स आने चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपका नाम उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हाउएवर, आपको ये एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डायरेक्टर और केएमपी, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डायरेक्टर और कैंपी इन अ लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर। देखो, ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपका नाम ऐसे ही ऐड हो जाएगा, कब, जब अगर आपके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए डायरेक्टर और कैंपी इन अ लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर और एनी बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है यहाँ तक बात, ये सुनो, तो ये आपका क्या था दोस्तों, डेटा बैंक का प्रोविजन था, अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है ना, इम्पॉर्टेंट प्रोविजन था जो एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है। वैसे तो मतलब नॉर्मली देखा जाए तो डेटा बैंक से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आए तो हम लिख सकते हैं उसके अंदर, हम बिल्कुल उसके अंदर लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, ये सुनो। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि यार डायरेक्टर क्या अपना ऑफिस असाइन कर सकता है, तो आंसर इज नो। आई थिंक ये पॉइंट मैं पहले भी करवा चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ कि डायरेक्टर कैन नॉट असाइन इज ऑफिस, डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता किसी और को, नो मैटर वॉट, वो अपना ऑफिस किसी और को असाइन नहीं कर सकता। यस, फिर है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो उसका टर्म क्या होगा, तो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का टर्म जो होगा वो होगा रिमेनिंग टर्म ऑफ डायरेक्टर। सपोज 5 साल के लिए डायरेक्टर था, तो 3 साल में कैजुअल वैकेंसी आ गई, तो कैजुअल वैकेंसी जो फिल आउट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो उसका टर्म कितना होगा बेटा, रिमेनिंग टू ईयर्स उसका क्या रहेगा, टर्म रहेगा। करेक्ट यहाँ पर सुनो, तो कैजुअल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो उसका टर्म कितना होगा बेटा, नेक्स्ट जो रिमेनिंग टर्म है आपका है ना, तो उतने तक वो क्या करेगा दोस्तों, कंटिन्यू करेगा। क्लियर है यहाँ तक की बात, ये सुनो। अच्छा, देन उसके बाद में अगर हम बात करें बेटा, अब द थिंग इज वॉट, इसके बाद में अगर हम बात करें तो हाँ, उसके बाद नॉमिनी डायरेक्टर जो है यार, नॉमिनी डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर है जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉमिनी डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, नॉर्मली बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या अपॉइंट करते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। एक चीज़ समझना, बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जिस भी बंदे को नॉमिनेट किया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसको कंपलसरी अपॉइंट करना ही पड़ेगा। सपोज ICICI बैंक से आपने लोन लिया और लोन के एग्रीमेंट में लिखा था कि बैंक विल अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड, बैंक क्या करेगी, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेगी बोर्ड पे। तो लेट्स से ICICI बैंक ने मेरा नाम प्रपोज किया, ICICI ने मेरा नाम क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया एज अ व्हाट बेटा, नॉमिनी डायरेक्टर। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, आंसर इज नो। जो नाम प्रपोज हो चुका है, किसने प्रपोज किया या किसने रिकमेंड किया है, दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या बैंक बोलो, तो उसी को बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसी को अपॉइंट करेंगे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है बेटा आपको? अच्छा, नेक्स्ट वन, एक और चीज़ बता दूं आपको, असिस्टेंट डायरेक्टर में एक और पॉइंट आपको ऐड करवा देता हूं। जब आप कोई डायरेक्टर है जिसका जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, कोई डायरेक्टर ऐसा है जिसका जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो गाइज आपको उसका अपॉइंटमेंट क्या कर सकते हो, क्या एज ए एडिशनल डायरेक्टर आप उसको अपॉइंट कर सकते हो, एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो? नहीं, जिस डायरेक्टर को मेंबर ने ठुकरा दिया है उस डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। सो एनी पर्सन
fails to appoint in what general meeting as a director, they thus the same person cannot be appointed as a director as an additional director. तो जिस director को हमने 160 में appoint नहीं किया, क्या उसको हम additional director appoint कर सकते हैं? Answer is no. करेक्ट है. सो सी या गाइस, मिलते हैं एक नए जोश और नए जुनून के साथ. आज थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है, मैराथन 2-3 दिन से कंटिन्यूसली मैराथन चल रही है. तो थैंक यू सो मच फॉर द लव, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट. बाकी आपको बताइए क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है ना. आज आज भी रात के कुछ 12 बजे, अभी आईपैड चालू नहीं है, 12 नहीं 12:30 हो गए हैं, 12:33 है, तो टाइम थोड़ा लेट भी हो गया. सो गुड नाइट, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.